जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम देखते हैं क्लास 9th के मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, हमें पता है कि 3 है, तो 3 है इसका मतलब क्या होगा, ये 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, रेखा खींचेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हम देखेंगे 3 और 4 के बीच हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे। ठीक है, इसको हम जब जूम करके देखेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे 3 और 4 के बीच होगा, अब इसके बाद हमें पता चल रहा है 3.76, तो अभी यहाँ पे होगा 3.7 और 3.8 के बीच। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक और रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 3 से लेंगे, यहाँ पे हमने लिया क्या 3, यहाँ पे क्या होगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। ठीक है, इनके बीच। अब 3.7 और 3.8 के बीच देखते हैं। 3.7 और 3.8 को जब हम जूम करके देखेंगे, ठीक है, जब हम जूम करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3.76। ठीक है, 3.76 और 3.77 के बीच। ठीक है, फिर एक और रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 3.76। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767, ये रेखा और आगे जाएगी, 3.768 3.769 और यहाँ पे होगा क्या, 3.77। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है, 3.76 और 3.77 3.67 और 3.76 3.76 और 3.76 3.71 3.71 होता है 3.7 होता 3.71 होगा 3.72 3.73 3.74 3.7 5 3.7 6 3.7 3.7 8 3.7 9। यहाँ पे होगा 3.7 3.8। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है 3.765, तो 3.765 देखना है, तो हम 3.76 यहाँ पे क्या देखेंगे, 3.76 और इसके बीच की संख्या। ठीक है, 3.76 और 3.77 का इसके बीच में वो संख्या आ जाएगी, तो इसे हम ऐसे यहाँ तक बढ़ा लेंगे आगे एक तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 3.76 और 3.77 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3.76। ठीक है, और यहाँ पे होगा 3.77, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3.76 1 3.76 2 3.76 3 3.76 4 3.76 5 3.76 7 3.76 7 3.76 8।
हमें क्या दिखाना है 3.765, 3.765 ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ठीक है संख्या रेखा, ये हो जाएगा हमारा संख्या रेखा ठीक है। फिर से दोबारा समझाता हूँ, तो 3 और 4 के बीच में देखेंगे, 3 और 4 के बीच, फिर इसको जूम करेंगे, 3 यहाँ पर रहेगा, 4 यहाँ पर रहेगा ठीक है। फिर जब हम इनको 3.7, तो 3.7 यहाँ पर होगा और 3.8 यहाँ पर होगा ठीक है। इसको फिर हम जूम करेंगे, फिर जूम करेंगे 3.76 को जूम करेंगे, 3.76 और 3.77 को, तो 3.76 यहाँ पर होगा, 3.77 यहाँ पर होगा ठीक है, ये होगा। फिर इसके अंदर देखेंगे 3.71761, 3.76275763, 3.764, 3.765 जो हमें ढूंढना है ये हो जाएगा ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, निरूपित हो गया संख्या रेखा में ठीक है। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर द्वारा चार दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.2 मतलब कि 4.26 पे बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.4 दशमलव तक, 4.2626, 1 2 3 4, तो चार दशमलव स्थान तक ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये भी क्या है 4.26 है, तो ये चार और पाँच के बीच में आएगा, चार और पाँच के बीच देखेंगे सबसे पहले ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने संख्या रेखा खींच लिया, यहाँ पर हो गया ठीक है। तो यहाँ से लेकर चलेंगे चार और पाँच के बीच, 1 2 3 4 5, तो 0 6 7 ठीक है, चार और पाँच के बीच, तो ये क्या हो गया हमारा चार और पाँच के बीच। अब इसके आगे क्या होगा, चार और पाँच के बीच यहाँ पर होगा 4.1 ठीक है, 4.1 और 4.2 से ठीक है, 4.2 और 4.3 के बीच, तो यहाँ पर होगा 4.1 यहाँ पर होगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 यहाँ पर होगा 5 ठीक है, यहाँ पे 4 है। अब हमें क्या देखना है, 2.6 वाला देखना है, तो हम 4.2 और 4.3 के बीच देखेंगे, 4.2 और 4.3 के बीच देखने के लिए यहाँ पर होगा 4.2 ठीक है, यहाँ पर होगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और यहाँ पर क्या होगा 4.3 ठीक है। अब हमें किस कौन से देखना है, 2.6 देखना है, तो 2.6 देखिए, 4.2626 ये आएगा 4.2647 ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे किसके 4.26 और 4.27 के बीच ठीक है, एक रेखा खींचेंगे सीधी संख्या रेखा ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 4.26, तो यहाँ पे क्या आएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.2829 यहाँ पे होगा 4.27 ठीक है। अब हमें किसका देखना है, अब हमें 4.2626 ठीक है, तो 4.262626 तो हम क्या लेंगे 4.2626 और 4.263 ठीक है, हम इसके बीच की संख्या लेंगे। फिर हम क्या करेंगे 4.2622 और 4.263 के बीच ठीक है, एक रेखा खींचेंगे ठीक है, यहाँ पे होगा 4.262, यहाँ से खींचना शुरू करेंगे 4.2621
4.26 4.26 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4 4.26 4
26 26, तो ये हो जाएगा हमारा क्या संख्या रेखा पे निरूपित 4.2626। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4.2626। ठीक है, तो है 4. शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, 4 और 5 के बीच की संख्या लेंगे, 4 और 5 के बीच की संख्या, 4 और 5 के बीच में संख्या 4.1, 4.2, 4.2, 4.3, 4.5 ऐसे आएंगी। फिर 4.2 लेंगे, 4.2 और 4.3 के बीच की संख्या, तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.424। फिर उसके बाद 4.26 संख्या लेंगे, यहाँ से 4.26, 4.27, फिर इसकी संख्या लेंगे, फिर इसके अंदर आएगा 4.26 के अंदर आ जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, फिर 4.262 और 4.263 के बीच की संख्या लेंगे, तो 4.262 और 4.263 के बीच की संख्या लेंगे, तो 4.2621, 4.262622, 4.2623, 4.624, 4.625, 4.62626, ये जो क्या होगा हमारा संख्या निरूपण निरूपित होगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से 1.4 भी समाप्त हुआ हमारा।